हेलो गाइस गाइस, अगर यहाँ पर आप गैलरी से कोई भी चीज़ प्ले करते हैं तो आपको दिखाती है फील्ड टू प्ले। यहाँ पर आप वीडियो प्ले करते हैं तो एरर्स दिखाती है कुछ। तो इन एरर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको जो है हमें। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूरी करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूरी कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है ये। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स, तो इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है और यहाँ पर टाइप कर देना आपको गैलरी। तो यहाँ पर हम गैलरी को टाइप कर देते हैं, ये आ जाएगी, इसको खोल लेते हैं एंड यहाँ पर इसका क्लियर कैचेस आपको कर देनी है और ऐप परमिशंस पे जाना है। यहाँ पर स्टोरेज की परमिशंस है, टेलीफोन वगैरह की सब के अलाउ रहनी चाहिए और यहाँ पर नोटिफिकेशंस में भी ये जो है अलाउ रहनी चाहिए। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर आपकी वीडियो प्ले हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती है तो रीज़न क्या रहता है वीडियो ना प्ले होने का। देखिए गाइस, वो जो वीडियो है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती है तब ये आपको प्रॉब्लम दिखाता है। अब आपका जो फाइल मैनेजर है उसको डिलीट कर देता है, लेकिन कभी कभी गैलरी उस चीज़ को दिखाने लग जाती है, एक अननोन सोर्स का एरर होता है ये जो कि दिखाने लग जाता है। क्योंकि गाइस हर चीज़ अगर आप फाइल मैनेजर से डिलीट करेंगे ये नहीं कि पॉसिबल कि गैलरी से भी डिलीट हो जाएगा। ये एक एरर होता है, एक बग होता है कि डिलीट चीज़ होने के बाद उसका जो फॉर्मेट है सिर्फ वो वहीं पर रह जाता है। अब ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका, लेकिन हाँ ये होता ज़रूर है। तो अभी तक तो इस चीज़ का पता नहीं लगा है, लेकिन हाँ ऐसा एरर्स हो सकते हैं आपके साथ भी एंड मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुए कि मैं एक वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो स्टार्ट नहीं होती है। बाकी अगर एरर होगा कुछ तो यहाँ पर जो मैंने प्रोसेस बताया है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।